बोलो, हरी हरी बोलो। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव मुरारी, मेरे बिहारी जी की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। तो ये मैं आ गई हूँ आपको लेकर के अपने किचन में। तो जी चलिए बनाते हैं जल्दी से एक बहुत 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 टेस्टी चटनी। हमारे यहाँ पर इसे गलका कहते हैं, गलका लौंजी आम की कहते हैं। तो देखिए, ये है कच्चे आम जिसको मैंने इस तरीके से काट लिया है, और इसकी जो गुठलियाँ आप देख रहे हैं, हल्की हल्की मैंने इसकी गुठलियाँ भी रखी हुई हैं। तो चलिए देख लेते हैं और हमें क्या क्या चाहिए। देखिए, ये है नारियल, नारियल गरी जो होती है वो चाहिए, डेसिकेटेड कोकोनट, और ये गरी, ये है हमारी खरबूजे के बीज, ये है हमारी किशमिश, ये है हमारे थोड़े मखाने, और ये है गुड़। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें गुड़ ही होता है। और देखिए, ये मैंने कुछ मसाले लिए हैं जिसमें कि ये है हल्दी, ये है मिर्च, ये है सौंफ, नमक। सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इसमें सौंफ और कलौंजी, लेकिन कलौंजी मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ये मैं अपने भैया के लिए बना रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। ये देखिए, मैंने अपनी कढ़ाई में डाल दिया है तेल, और तेल जैसे ही हो जाएगा इमीडिएट मैं इसमें डाल दूँगी सौंफ। मैंने सौंफ डाल दिया है, सौंफ को हम थोड़ा सा पका लेंगे। सौंफ बहुत अच्छे से डालिएगा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और मैं आपको बताऊं, कलौंजी लेकिन मैं भोग के लिए बना रही हूँ अपने भैया के, आप अगर भोग के लिए ना बनाए तो आप कलौंजी ज़रूर डालिए। फिर मैं इसमें अम्बिया डाल दूंगी अपनी, मैंने अपनी सारी अंबिया इसमें डाल दी होगी और इसे अच्छे से चला लेंगे। अब इसी टाइम पे हमें इसमें अपने मसाले डालना है। इसमें हम हल्दी डाल देंगे सबसे पहले, फिर हम इसमें डाल देंगे रेड, ये लाल मिर्च, और इसमें हम डाल देंगे नमक। नमक अच्छे से ही पड़ेगा क्योंकि नमक और गुड़ बहुत अच्छा फ्लेवर बाद में डेवलप करते हैं जी। अब हम इसे अच्छे से पक जाने देते हैं। देखिए, अंबिया जो मैंने काटी हैं आपको दिख रही होंगी, ना ही बहुत ज़्यादा छोटी हैं और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, मुलायम हैं, तो मैंने इस तरीके से काट लिया है। तो अब हम इसको थोड़ा सा ढक के पकाएंगे, और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी हमें कुछ ऐसा डालना है कि बहुत ज़्यादा भी ना हो, बहुत कम भी ना हो, ये थोड़ी सी बस हमारी अंबिया अच्छे से गल जाए। और बस इसके बाद हम इसमें अपनी बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। देखिए, हमारी जो ये अंबिया है ये ऑलमोस्ट गल चुकी है, लेकिन थोड़ा सा इसे हम और गल जाने देते हैं और आँच को अपनी तेज कर देते हैं, और अब इसे हम ढकेंगे नहीं। ये देखिए, हमारी जो अंबिया है ऑलमोस्ट गल चुकी है, इसे बहुत ज़्यादा भी हमें नहीं गलाना है कि जब हम मेवे वगैरह डालेंगे, गुड़ डालेंगे, तब भी ये कुक होगी। और हमें ऐसे रखना है कि जब हम अपने लल्ला को परोसें तो ये थोड़ी थोड़ी सी जो अंबिया है ये उनको ऐसे भी खाने को मिले। तो चलिए अपने मेवे जो है वो डालना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो यहाँ पर डालूँगी वो डालूँगी मखाने। क्योंकि मखानों को थोड़ा सा गलना ज़रूरी है, मिक्स होना। तो ये देखिए, मखाने मैंने इसमें ऐड कर दिया है जी। अब मैं इसमें डालूंगी जो सेकंड चीज़ है वो है किशमिश। किशमिश भी मैंने ऐड कर दिया है। और मैं आपको बताऊँ, ये देखिए खरबूजों की बीयों को मैंने मैं फ्राई करना भूल गई थी, तो इनको भी मैंने फ्राई कर लिया है दूसरे पैन में। अब मैं इसको भी इसमें ऐड कर लूँगी। आँच को बिल्कुल धीमे रखेंगे अभी। और अब मैं लास्ट में इसमें डालूंगी गुड़।
और अब इसको हमें बस ऐसे ही ढक देना है गुड़ डालने के बाद। इधर पक रही है मेरे भैया की भूख, तैयारी हो रही है, बन रही है दाल, तो चलिए। और ये देखिए हमारी आम की लौंजी, हमारी गल का रेडी है हमारे लड्डू बाबू लाडो के लिए, हमारे प्रभु के लिए। देखिए कंसिस्टेंसी जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी अभी है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, क्योंकि मैं आपको बताऊं बहुत थोड़ा सा ये गुड़ है ये थोड़ा सा गाढ़ा होगा, और अभी मुझे इसमें गरी भी डालनी, तो मैंने इसमें बहुत बहुत थोड़ा सा पानी डाला है। और अब मैं इसे एक बॉइल और दूंगी और बस हमारी लौंजी तैयार है। और एक बॉईल आ जाए उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे, और इसी स्टेज पर अब हम डाल देते हैं अपना ये गरी। वैसे मैं ये गरी डाल रही हूँ, आप चाहें तो जो नारियल का गोला होता है ना आप उसे भी काट के वैसे डाल सकते हो, बट मेरे पास ये है तो मैंने अभी ये डाल दिया। अब हम इसे अच्छे से कुक हो जाने देते हैं। वैसे आप इसे थोड़ा रुक के भी डालिए, जब आप गैस बिल्कुल बंद करने वाले हो ना तब भी आप गरी डाल सकते हो, लेकिन मैंने अभी ही डाल दिया है, आप तभी भी डालिए बस बिल्कुल लास्ट में सर्व करने के टाइम। तो इसे अब हम थोड़ा सा और कुक हो जाने देते हैं, और अब इसे ढकने की ज़रूरत नहीं है, इसे थोड़ी सी तेज़ आंच पे बस हम पका लेंगे। पक चुका है ये, इसे थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी हम ठीक कर देंगे। चलिए जी मिलते हैं, हरी बोल। ये देखिए जी, मैंने आपसे कहा था ना कि इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो जाएगी, और देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है, और ये बिल्कुल परफेक्ट अब तैयार है। तो चलिए लगाते हैं प्रभु को भोग, हरी बोल।